अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। इसलिए सिर्फ दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो, जो इतनी बड़ी कायनात को बना सकता है। तो तुम भी उसी कायनात का हिस्सा हो, तुम्हारे रब को तुम ज़रूर नज़र आ रहे हो, तुम्हारी बेबसी नज़र आ रही है। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें बेयारों मददगार छोड़ देगा? क्या तुम्हारा रब तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन पर यकीन रखो, पूरा यकीन कामिल रखो, इंशाल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा खुशियों से नवाज देगा। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ पर कुन कहेगा इंशाल्लाह। ये दुनियाई मोहब्बत पर भरोसा मत करो, ये मोहब्बत तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश करने आती है कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितना करीब हो। और जब तुम अल्लाह के भरोसे सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो, तो अल्लाह भी तुम्हारी ख्वाहिश को पलक झपकते ही वापस कर देता है। ये जो तुम बार बार लोगों के सामने रो रो कर कहते हो, क्या ये सब्र है? क्या तुम्हारा सब्र हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा है? बताओ, तुम हमेशा किसी की जुदाई में दिन और सालों के हिसाब लगाते हो ना, तो बताओ ज़रा, क्या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा तुम्हारी आजमाइश तवील थी? जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो कहते हो इस मोहब्बत को पाने के लिए बहुत सारे कुर्बानी दी, तो ज़रा बताओ, क्या तुम्हारी कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से भी बड़ी थी? आज हम लोग ये दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ बैठे हैं और इसी दुनिया को जन्नत बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए इस दुनिया में, जबकि वो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाले ने ही धोखे का घर बताया है इस दुनिया को। तो फिर क्यों हम आज इस दुनिया के चक्कर में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं? तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक गुजारना सीखो, ताकि इस दुनिया में और मरने के बाद आखिरत में भी सुकून से गुजार सको। अल्लाह की नाफरमानी में कोई सुकून नहीं। यकीन मानो, अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बना लो, ताकि दोनों जहां में कामयाबी पा सको। इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रोती हुई आँखों को यूँ ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों को ठंडा कर दिया था। अल्लाह तुम्हारी खोई हुई मोहब्बत को ऐसे वापस ले आएगा जैसे उसने अंधे कुएं से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आया था। आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम्हारा काम है बस दुआ करना, दुआ करते रहो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे मौजज़े लाएगा जो तुम्हारे गुमान में भी ना होंगे। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो और सिर्फ दुआ करते रहो। आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम्हारा काम है बस दुआ करना, दुआ करते रहो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे मौजज़े लाएगा जो तुम्हारे गुमान में भी ना होंगे। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो और सिर्फ दुआ करते रहो। तुम जितना लोगों की वजह से बर्दाश्त करोगे, तकलीफ़ सहोगे, उतना ही अपने रब से जुड़ते जाओगे। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और बेहतर बदला लेने वाला है। तुम हर चीज़ मुस्कुरा कर अल्लाह पर छोड़ दो। ये दुनिया आरजी है, यहाँ के लोग आरजी हैं, उनकी बातें आरजी हैं, उनके रवैये आरजी हैं। ये दुनिया वालों की वजह से जो तकलीफ़ें तुम गुजार कर सब्र कर रहे हो, उस सब्र से तुम्हारी आखिरत सवर रही है। इसलिए छोड़ दो इस दुनिया के लोगों से शिकायत करना, छोड़ दो लोगों की बातों की वजह से खुद को बुरा समझना। ये दुनिया कभी किसी को अच्छा नहीं कहती। हम जब दर्द में होते हैं, इस दर्द के सस्ते में हम अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह हमें आजमाता है।
सब कुछ रब के हाथ में है। जानते हो हमारा रब दर्द क्यों देता है? ताकि हम उस रब के और करीब हो जाए, ताकि मेरा बंदे मेरे तरफ लौट आए। वो दर्द दर्द नहीं होता जो हमें रब से जोड़ देता है, बल्कि वो दर्द सुकून होता है जो रब के करीब कर देता है। हमारा रब नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना देता है। हमेशा रब पर भरोसा रखो।